हेलो, नमस्कार साथियों। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब क्लास में। जैसा कि आप सभी को पता है, अपने चल रहे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस एसएससी जीडी के, तो मैंने आपको सेट 6 करा दिए हैं। आज आपका सेट नंबर 7 होने वाला है। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन चल रहा है अपने, ठीक है। अगर इससे पहले वाली क्लास आपने नहीं देखी हो तो जाकर देख लीजिएगा, बहुत शानदार हमारी क्लास रही है। और आज की क्लास में हम सेट नंबर 7 देखने वाले हैं। चलिए पहला ही क्वेश्चन, भारत में हरित क्रांति का पहला चरण के दशक के मध्य तक था, यानी कि दशकीय का पूछा गया है। 10 साल का बताएंगे कितने, 1950, 1960 तक, 1977, 70 से 1980, 1940 से 1950, 1960 से 1970। आंसर आपका होगा 1960 से 1970 तक। हरित क्रांति आपकी कृषि से रिलेटेड है। और आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। खाली स्थान एनपीएस एक एक स्वैच्छिक परिभाषित योगदान सेवानिवृत्ति बचत योजना है, जो ग्राहकों को सुव्यवस्थित बचत से अपने भविष्य के बारे में इष्टतम निर्णय लेने में सक्षम बनाती है। बताएंगे कौन सी स्कीम है, राष्ट्रीय परमिट प्रणाली, राष्ट्रीय भुगतान योजना, राष्ट्रीय भुगतानकर्ता प्रणाली या फिर राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली। आंसर आपका हो जाएगा राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली, नेशनल 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 पेंशन स्कीम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में दशकीय जनगणना कराने की जिम्मेदारी दशकीय गणना जनगणना कराने की जिम्मेदारी किस मंत्रालय को की होती है। दशकीय जनगणना होती है प्रत्येक 10 साल में होती है, कितने 10 साल में आपकी जनगणना की जाती है, पर आपकी आखिरी वाली हुई 2011 में, उसके बाद नहीं हुई क्योंकि 2021 में होनी थी, तो क्या हो गया, कोरोना आपका आ गया था, इसलिए क्या हुई, ये दशकीय जनगणना को रोकना पड़ा, अभी तक ये नहीं हुई है, ठीक है। बताएंगे कि जिम्मेदारी किस मंत्रालय की होती है जनगणना कराने की, गृह मंत्रालय या फिर कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय या वित्त मंत्रालय या फिर सांख्यिकी मंत्रालय। ये जो जिम्मेदारी होती है ये गृह मंत्रालय की होती है। वर्तमान में भारत के गृह मंत्री कौन है, भारत के गृह मंत्री कौन है, अमित शाह, अमित शाह, ठीक है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी आपका। और जनगणना से रिलेटेड एक और क्वेश्चन, मैं आपको जनगणना से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस करवा चुकी हूँ, साथ ही थ्योरी भी मैंने पढ़ाई हुई है, तो देखेंगे जो आपके भारत में जनगणना कराने जो स्टार्टिंग हुई थी ना, वो हुई थी 1872 में। कब हुई थी, 1872 में लॉर्ड मेयो के टाइम पर। कब हुई थी, लॉर्ड मेयो के टाइम पर, लॉर्ड मेयो के टाइम पर। अगर आपसे पूछा जाए प्रथम बार दशकीय जनगणना मतलब नियमित जनगणना स्टार्टिंग कब हुई थी, 1881 में, 1881 में नियमित जनगणना, नियमित जनगणना, नियमित जनगणना होना 1881 से स्टार्ट हुई थी। और अगर स्वतंत्रता के बाद पूछें कि पहली जनगणना कौन सी थी स्वतंत्रता के बाद, पहली जनगणना कब, 1951, ठीक है, 1951 में हुई, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन देखें। 1 मई 2022 से नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष के रूप में पदभार किसने संभाला, गीता गोपीनाथ या फिर डॉक्टर हिरेन जोशी, रंजन गोगोबाई या सुमन वैरी। तो ये संभाला था सुमन वैरी ने, ठीक है। चलिए
एशियाई खेल 2018 का आयोजन निम्नलिखित में से किस देश में किया गया था? एशियाई खेल 2018 बताएंगे कब किया गया, इंडोर कहाँ पर किया गया, इंडोनेशिया, थाईलैंड, मालदीव और सिंगापुर, ये किया गया था इंडोनेशिया में, ठीक है। कोशिका आकार का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? लाल रक्त कोशिकाएं गोलाकार और पेशी कोशिकाएं तुर्क रूपी, बताएंगे इनमें से क्या सही होगा, केवल एक या दोनों, या फिर ना तो एक ना दोनों, या फिर केवल सेकंड नंबर का आंसर आपका होगा दोनों सही, क्योंकि लाल रक्त कोशिकाएं गोलाकार होती हैं और पेशी कोशिकाएं तुर्क रूपी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हेमिस पर्व मुख्य रूप से खाली स्थान में मनाया जाता है, बताएंगे हेमिस पर्व जो है कब मनाया जाता है, कहाँ पर मनाया जाता है, लद्दाख, चंडीगढ़, पुंडुचेरी या फिर लक्षद्वीप में, कहाँ पर मनाया जाता है? देखिए दोस्तों, ये मनाया जाता है लद्दाख में, ठीक है। हेमिस पर्व जो है आपका 28 और 29 जून को मनाया जाता है, 28 और 29 जून को ये मनाया जाता है लद्दाख में। हेमिस पर्व के साथ साथ यहाँ पर हेमिस राष्ट्रीय उद्यान भी है, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान यानी आपका हेमिस नेशनल पार्क, हेमिस नेशनल पार्क, ठीक है। हेमिस नेशनल पार्क आपका कहाँ पर है? आपके लद्दाख में है, कहाँ पर है? लद्दाख। और ये भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, ये क्या है? सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान, सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। ये भी आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसे याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, पुरुषों की श्रेणी में फेंके जाने वाले डिस्क में प्रयुक्त डिस्क का व्यास और वजन कितना होता है, बताएंगे वजन में 2.5 किलो और व्यास में 22 सेंटीमीटर, या वजन में 2 किलो या व्यास व्यास में 23 सेंटीमीटर, वजन में 3 किलो और व्यास में 24 सेंटीमीटर, या फिर 2 किलो और व्यास में 22 सेंटीमीटर, आंसर क्या हो जाएगा? वजन में 2 किलो होना चाहिए और व्यास में 22 सेंटीमीटर। वहीं हम महिलाओं की बात करेंगे, वहीं महिलाओं की अगर बात की जाएगी दोस्तों, तो महिलाओं के लिए वजन होना चाहिए 1 किलो और व्यास इसका होना चाहिए 18 सेंटीमीटर, ठीक है। कितना हो जाएगा? 18 सेंटीमीटर, ये आपकी महिलाओं के लिए है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन से तत्व की परमाणु संख्या 33 है, बताएंगे किसकी परमाणु संख्या 33 है, नियोन, बेरियम या फिर आर्सेनिक या आयोडीन की, तो ये आपकी आर्सेनिक की कितनी है 33 है, आयोडीन की 56 है और बेरियम की 53 है, नियोन की 10 है परमाणु संख्या, ठीक है। आगे चलते हैं, ऊपर से मृदा की तीसरी परत की पहचान कीजिए, ऊपर से मृदा की तीसरी परत की पहचान कीजिए, बताए अधास्तरीय, अधास्तरीय, अपक्षय, आधारी चट्टाने, उपमृदा या फिर अपक्षय रहित आधारी चट्टाने या फिर ऊपरी मृदा, तो इसका आंसर होगा अधस्तरीय अपक्षयित आभारी चट्टाने, ठीक है। आगे चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा कर्तव्य भारतीय संविधान में 42वें संशोधन द्वारा नहीं जोड़ा गया है, 42वें संविधान संशोधन द्वारा नहीं जोड़ा गया है, बताएंगे भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना और उसे अक्षुण रखना, 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच के बच्चे या प्रतिपालक को शिक्षा के अवसर प्रदान करना, देश की
सिकर, साम सिकर संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझना और इसका परिष्कृत करना, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और हिंसा से दूर रहना। देखेंगे ये हमारे क्या है, मौलिक कर्तव्य है। क्या है? मौलिक कर्तव्य। कहाँ की गई है इनकी चर्चा? भाग चार, भाग चार का में अनुच्छेद, अनुच्छेद 51 के का में, ठीक है। और वहीं मैंने आपको मूल अधिकार भी पढ़ाए हुए हैं, तो मूल अधिकार आपको कहाँ मिलेंगे? मूल अधिकार भाग तीन में मिलेंगे, भाग तीन में मिलेंगे, और 12 से आर्टिकल 12 से 35 तक इसमें बात की गई है, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा? इनमें से कौन सी चीज नहीं जोड़ी गई है? तो 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच के बच्चे या प्रतिपालय को शिक्षा के अवसर प्रदान करना। देखेंगे आप कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे को प्राथमिक शिक्षा देना फ्री में, ये किस अनुच्छेद में जोड़ा गया है? ये आपके 21 नंबर के आर्टिकल 21 के ए में जोड़ा गया है, काम में, ठीक है, याद रखेंगे। और ये आपका 42वां संविधान संशोधन द्वारा ये जोड़े गए, तो 42वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन 1976 सरदार स्वर्ण सिंह की सिफारिश पर ये जोड़े गए थे। और बताएंगे कि ये व्यवस्था कहाँ से ली गई? ये व्यवस्था ली गई रूस से। कहाँ से ली गई? रूस से व्यवस्था ये ली गई है, रूस से, रूस के संविधान से ये व्यवस्था ली गई है, रूस के संविधान से ये व्यवस्था ली गई है। हमारे मौलिक कर्तव्य कितने हैं? वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या है 11। दोस्तों कितनी है? 11 है। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। किसकी सिफारिश पर? ये भी आप याद रखेंगे, सरदार स्वर्ण सिंह, सरदार स्वर्ण सिंह की सिफारिश पर ये जोड़ा गया। ठीक है, आगे बढ़िए। 13 सितंबर 2022 में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा यस बैंक के गैर कार्यकारी अंशकालीन अध्यक्ष के रूप में किसे मंजूरी दी गई थी? बताएंगे रघुराम राजन, रामा सुब्रमण्यम गांधी, या शक्तिकांत दास, या फिर ऑसबोर्न स्मिथ। तो ये किसको दी गई थी मंजूरी? रामा सुब्रमण्यम गांधी को, रामा सुब्रमण्यम गांधी को दी गई थी। दोस्तों आगे चलते हैं। 1971 के भारत पाक युद्ध के समय कौन सी पंचवर्षीय योजना भारत में चल रही थी? इसका आंसर दीजिए आप। बताएंगे दूसरी चल रही थी, छठी चल रही थी, या फिर आठवीं, या फिर चौथी। तो कौन सी चल रही थी? चौथे नंबर की, ठीक है। कब से कब तक पांच वर्ष की योजना होती है पंचवर्षीय योजना? 1969 से लेके 1974 तक, ठीक है, 1969 से 1974 तक ये पंचवर्षीय योजना चली। इसका शिक्षा में सुधार करना, शिक्षा में, शिक्षकों को शिक्षा में सुधार करना इसका क्या था? मुख्य उद्देश्य था, ठीक है। अगर आपसे ये पूछा जाए कौन सी पंचवर्षीय योजना 4 साल तक चली, तो वो होगी पांचवी नंबर की पंचवर्षीय योजना। बताएंगे गोफ नृत्य किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? गोफ नृत्य बताएंगे किसका लोक नृत्य है? बिहार, गोवा, उड़ीसा, या फिर उत्तर प्रदेश का? दोस्तों बताइए आंसर क्या होगा आपका? आपका आंसर होगा गोवा का, ठीक है। गोफ कहाँ का लोक नृत्य है, प्रसिद्ध लोक नृत्य है? गोवा का है। आगे बढ़िए।
खालिस्तान के पास भारत में बैंक नोट जारी करने का एकमात्र अधिकार है। एक नोट जारी करने का एकमात्र अधिकार किसके पास है? सिंपल क्वेश्चन है, बताएंगे किसका? प्रतिभूति बैंक, विश्व बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक या फिर भारतीय स्टेट बैंक? तो किसके ऊपर है? बैंकों का बैंक, केंद्रीय बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई ये भी आप याद रख लीजिएगा। 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना की गई। मुख्यालय की इसकी बात की जाएगी, मुख्यालय की अगर इसकी बात की जाएगी तो कहाँ पर है? बॉम्बे, आपका मुंबई। ठीक है, आगे चलिए। अपर्णा सतीसन को किस नृत्य शैली में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए प्रतिष्ठित भरत शास्त्र नृत्य प्रवीण राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया? बताएंगे वो किस नृत्य में किया था उन्होंने उत्कृष्ट प्रदर्शन जिसके लिए उनको ये अवार्ड मिला? बताएंगे कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम, कथकली या लावण? तो ये आपका किस नृत्य में किया था? कुचिपुड़ी में। साथ ही वो भरतनाट्यम की भी क्या थी? भरतनाट्यम की क्या थी? वो नृत्तिका भी थी। भरतनाट्यम की वो क्या है? नृत्तिका भी है। और कुचिपुड़ी की भी क्या है? नृत्तिका है। कुचिपुड़ी आपका आंध्र प्रदेश का है, कुचिपुड़ी आपके आंध्र प्रदेश का है और भरतनाट्यम आपके तमिलनाडु का है। कहाँ का है भरतनाट्यम? तमिलनाडु का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चूंकि मौर्य साम्राज्य इतना बड़ा था लेकिन इसीलिए अलग अलग हिस्सों पर अलग अलग शासन किया जाता था। खालिस्तान के आसपास के इलाकों पर सम्राट का सीधा नियंत्रण था। आप देखेंगे जो मौर्य साम्राज्य था, मौर्य एम्पायर जो था, बहुत ही बड़ा एम्पायर था और हर जगह अलग अलग लोग शासन करते थे। लेकिन ऐसा इनमें से कौन सा राज्य है जिस पर सीधा नियंत्रण था सम्राट का? बताएंगे पाटलिपुत्र, तक्षशिला, लुम्बिनी या फिर उज्जैन? आंसर आपका हो जाएगा पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र किसका नाम है? वर्तमान पटना का नाम है। किसका नाम है? वर्तमान पटना का नाम है। ठीक है, निम्नलिखित में से क्या राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारों के उम्मीदवारी के लिए एक आवश्यक योग्यता नहीं है? बताएंगे राष्ट्रपति बनने के लिए आपके ऊपर आपके में क्या योग्यता होनी चाहिए, इनमें से कौन सी नहीं होनी चाहिए, जरूरी नहीं है वो? बताएंगे लोकसभा के सदस्य के रूप में चुनाव के लिए योग्य होना चाहिए, 35 वर्ष की न्यूनतम आयु होनी चाहिए या फिर भारत का नागरिक होना चाहिए या फिर उच्च शिक्षा होनी चाहिए। तो राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार को क्या आवश्यक नहीं है? उच्च शिक्षा की आवश्यकता नहीं है, भारत का वह नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु हो उसकी। ठीक है, चलिए आज का आखिरी क्वेश्चन। खलीफा की तत्कालीन शक्तियों की रक्षा के लिए खालिस्तान में बंबई में खिलाफत समिति का गठन किया गया था। बताएंगे कब किया गया? मई 1918 या फिर मई 1918, मार्च 1918, मई 1919, मार्च 1919? बताएंगे ये आपका मार्च 1919। ठीक है, मार्च 1919 में ठीक है गठन किया गया था। ठीक है, आज की क्लास आपकी पूरी हुई। इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, ये वाली भी मिल जाएगी और साथ ही कंप्लीट पीडीएफ मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिएगा ये आपको डेली पीडीएफ ये आपकी लिखा रहेगा, सेट 7। ठीक है, शिफ्ट 7 कौन सा है? ठीक है, सब कुछ आपको लिखा हुआ मिलेगा। आपको SSC GD की पूरे 20 क्वेश्चन आपको इसमें देखने को मिल जाएंगे। ये आपके डेली
जाती है, पीडीएफ टेलीग्राम पर देख लीजिए, बिल्कुल देखेंगे। हमारे लिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, इसीलिए इस पीडीएफ को पढ़ना डेली बिल्कुल भी ना भूलिएगा। चाहे सुबह का रूटीन बना लीजिए, चाहे शाम को, चाहे कभी भी, आप कम से कम 15 से 20 मिनट इन क्वेश्चनों को पढ़िए और आंसर याद कीजिए, क्योंकि पिछले साल से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके बनते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अगले क्लास में, आपका सेट नंबर 8 में हम मिलते हैं। तो जब तक के लिए पढ़ते रहिए, और आज की क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर आप मुझे बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में ऐसे ही।